disease less life and desire less life. No money, no donation, no fruit, no milk. Beggar son by birth. Shivananda Baba is a beggar son by birth. His father and mother live by asking alms. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां इंसान 70 की उम्र तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, और ये एक ऐसा वक्त है जहां इंसान ने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया है और अस्पताल दूसरा घर बन चुका है। अपनों से ज़्यादा वक्त एक उम्र के बाद अस्पतालों में बीतता है। कमर टेढ़ी हो जाए तो सीधी नहीं हो पाती, और घुटने मुड़ जाए तो जान निकल जाती है सीधा करने में, और युवाओं की शारीरिक क्षमता तो 35 से 40 की उम्र में ही समाप्त होने लगी है। लेकिन आज हमारे साथ है स्वामी श्री शिवानंद जी, जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और हाल ही में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है क्योंकि इनकी उम्र है 126 साल। आज हम स्वामी जी से राज जानेंगे उनके जीवन की इस उम्र का, और योग के बारे में भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे। स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे मेरा यही है कि 70 की उम्र तक भी बड़ी मुश्किल से आज के समय में लोग पहुंचते हैं, तो 126 साल का राज क्या है? राज डिजीज लेस लाइफ एंड डिजायर लेस लाइफ। नो मनी, नो डोनेशन, नो फ्रूट, नो मिल्क। हमारा जो लाइफ है इसमें डिजायर एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। एक के बाद एक डिजायर, अभी हम सोचते हैं कि ये हमको करना है, जैसे वो पूरी हो गई फिर नए डिजायर, नया ये कामना तैयार हो गया, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो बाबा का कहना ऐसा है, ये जो डिज़ायर है यही रूट कॉज फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो डिज़ायर को बाबा ने कंट्रोल किया, बाबा का कोई डिज़ायर नहीं है, ना बाबा कोई गिफ्ट लेते हैं, ना डोनेशन लेते हैं, और ये डिज़ायर ही मेन रीज़न है जो बाबा हेल्थी लाइफ लीड कर रहे हैं और हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। आवर माइंड इज इम्प्योर, आवर माइंड इज इम्प्योर, वेरी इम्प्योर। ये इम्प्योर माइंड के लिए ही डिज़ायर डिजीज हमारा शरीर के अंदर आते हैं। तो माइंड को अगर हम प्योर कर सकते हैं, और योगा जो है वो बहुत ही इसमें हेल्प करते हैं, मतलब माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए योगा। और योग करने से माइंड शांत हो जाएगा जी, योग करने से माइंड शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, देह स्थिर होगा। स्वामी जी की डेली रूटीन क्या है, रोज रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या करते हैं, कब उठते हैं आप? हम 3 बजे उठता है, जल्दी उठने से बाबा 3 बजे, बाबा का दिनचर्या ऐसे है कि सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। उठने का बाद बाबा डेली का बाथरूम वगैरह करते हैं, आँख में पानी देते हैं, ठीक है, करके फिर फ्रेश व्रेश होके बाबा पहले ज़्यादा टाइम करते थे, अभी 1 घंटा बाबा वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग और जप दोनों एक साथ करते हैं, फिर 1 घंटा बाबा योगा करते हैं। इसके बाद बाबा करीब 8-8:30 बजे थोड़ा नाश्ता लेते हैं, पानी पीते हैं, नाश्ता लेते हैं, जिसमें थोड़ा लिमिटेड नाश्ता ही लेते हैं, मतलब 2 रोटी या कभी थोड़ा सा अन्न और 1 दाल 1 सब्जी। फिर उसके बाद दिन भर बाबा बैठे रहते हैं, जैसे आप लोग आए, बाकी भक्त लोग आए, सबसे बात करते रहते हैं। फिर दोपहर को बाबा कभी रेस्ट नहीं लेते हैं, मैं आज तक नहीं देखा है। हाँ, अभी भी बाबा 2 रोटी लिया। फिर शाम को करीब 7-7:30 बजे बाबा नहाने चले जाते हैं, नहाने का बाद बाबा वापस प्रसाद लेते हैं, वही थोड़ा सा चूड़ा या थोड़ा बाली, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाबा आसन में बैठ के करीब 8:30 बजे बाबा विश्राम में चले जाते हैं। रात में बाली, रात में कभी कभी बाली लेते हैं बाली। और ये जो उनका दिनचर्या है, ये जब उनका उम्र 4 साल में उन्होंने आया गुरुकुल में गुरुजी के पास, तब से ये चल रहा है, तब से मतलब 4 साल से उनका योग चल रहा है, 4 साल से उनका ये सुबह उठना, क्योंकि ये जो मॉडर्न जनरेशन आप बोल रहे हैं ना, इसमें क्या है, लोग आजकल लेट को सोने को जाते हैं, लेट उठते हैं, लेकिन उनका दिनचर्या में वही सुबह 3 बजे अराउंड 3 o'clock उठना, और करीब 8-8:30 लेटेस्ट, कभी कभी भक्त लोग बहुत रहते हैं तो 9 बजे तक बाबा विश्राम में चले जाते हैं। क्या बाबा जी ने संन्यास लिया है क्या? बाबा जी जब ही उनका उम्र 4 साल था, तो एक बाबा जी आए थे बाबा के गाँव में, सिलेट बांग्लादेश में, क्योंकि बाबा का घर में सब कोई भिक्षा मांगते थे, उनका माता पिता और सिस्टर भिक्षा से उनका चलता था,
तो उन्होंने उनका माता पिता ने बाबा जी को दान कर दिया वो गुरुजी के पास। तो गुरुजी के उधर जाने के बाद में बाबा को पता लगा कि गरम राइस अन्न क्या होता है। पूरा दिन में 3 बार उनको खाना मिलता था, तो गुरुजी के अंडर में ही बाबा बड़े हुए, वहाँ पे ही बाबा को सीखने को मिला। फिर जब 6 साल उनका उम्र हुआ, बाबा वापस आए, गुरुजी ने उनको भेजा कि अभी जब जाओ गांव में जाओ। आके देखा उन्होंने कि उनका एकमात्र खेलने का साथी उनका दीदी भूखे गुजर गए। फिर बाबा पहुँचने के बाद एक ही दिन में सूर्योदय के पहले उनका माता और सूर्योदय के बाद उनका पिता, उनका देहांत हो गया। दोनों को एक ही फ्यूनरल पायर में श्रद्धा शांति सब करके फिर बाबा वापस गुरुकुल में आ गए नवद्वीप में। वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे बाबा जो शिक्षा वगैरह उनको मिला वहीं पे से मिला। फिर जब भी उनका उम्र 22-23 साल था, बाबा बाहर चले गए, जो मैंने आपको बताया। कंटिन्यूस 34 ईयर्स बाबा 6 कॉन्टिनेंट में घूमे। फिर अचानक एक दिन जब भी बाबा लंदन में थे, उनका गुरुजी का टेलीग्राम आया कि आपका वहाँ का काम हो गया, अभी आप देश में चले आओ, यहाँ पे काम करो। तो बाबा आ गए गुवाहाटी डिब्रूगढ़, वो साइड से बाबा काम चालू किया। बाबा आने का कुछ दिन बाद उनका गुरुजी का भी देहांत हो गया, और फिर उसके बाद बाबा का ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहता है। मतलब बाबा सुबह उठते हैं, फिर उनका दिन का भक्त लोग मिलना, फिर बाबा दूसरे को जैसे कुष्ठ रोगी जो है उनके लिए प्रोग्राम करते हैं काफ़ी जगह। आपका हरिद्वार में भी हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर पुरी में हुआ, फिर आपका बांकुड़ा में हुआ। तो बाबा का ये कार्यक्रम चलता है। तो बाबा बोलते हैं कि ये जो कुष्ठ रोगी है, लेप्रोसी पेशेंट जो है, इनके लिए कोई सोचता नहीं है, लेकिन बाबा उनके लिए सोचते हैं। ना तो उनके लिए सरकार सोचते हैं, ना तो कोई, मतलब अनटचेबल टाइप है ना, तो बाबा उनके लिए सोचते हैं। बाबा बोलते हैं यही भगवान का पूजा है, क्योंकि जो बाबा आपको थोड़े देर पहले बताया कि ऑल आर गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो सब में बाबा के आँखों में सब में नारायण दिखता है, और ये नारायण को सेवा करना, नारायण को प्यार करना, यही उनका जीवन का धर्म है। और ये जो प्यार बाबा करते हैं, ये अंतर से करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कोई लोग फर्स्ट टाइम आते हैं तो फर्स्ट टाइम में वो हैरान हो जाते हैं कि उनको इतना प्यार कहाँ से मिला, तो ऐसे ही है बाबा। तो बाबा के लिए सबको ही समान है, उनका दरवाज़ा हमेशा खुला है, कभी भी आइए अगर बाबा यहाँ पर है, और सबसे ऐसे बाबा प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हम भी देखते हैं जब कोई बड़ा सम्मान किसी को मिलता है तो आदमी के अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अपने आप को VIP समझने लगता है। लेकिन बाबा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कभी भी आओ, किसी भी समय आओ। बाबा को इसमें क्या, बाबा हम लोग को समझाते हैं कि बाबा इज बेगार सन। तो बाबा को एक दिन मैं पूछा, बाबा आपको क्यों गुस्सा नहीं होता? बोला किस चीज़ का गुस्सा होगा, मैं तो भिखारी का संतान हूँ, हमारे पास तो 4 साल तक मेरे को, मैं देखा नहीं कि गर्म राइस क्या होता है, तो गुरुकुल में जाके मेरे को पता चला। तो किस बात का गुस्सा होने का, कुछ गुस्सा होने का नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो एकदम छोटे उम्र से बाबा योग कर रहे हैं, ये योग क्या करता है ना, हमारा मन को, माइंड को शांत करता है। और माइंड और बॉडी जो है, जैसे आप योगा करेंगे आपको फिजिकली फिटनेस मिलेगा, इंटरकनेक्टेड आर इंटरकनेक्टेड, माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, ये इनसेपरेबल है। तो आप योग से उनका शरीर भी शांत है, मन भी शांत है। तो बाबा को कभी कोई किसी ने कुछ बोला भी, तो भी बाबा को कोई गुस्सा नहीं होता, बाबा हंस के प्यार से उनसे बात करते हैं। बाबा का जन्म स्थान कौन सा है, कहाँ पैदा हुए? बाबा का जन्म स्थान है सिलेट, बांग्लादेश में, बांग्लादेश 8 अगस्त 1896 जी। अच्छा, आधार कार्ड होगा उनका, लाइफ भी है। देखिए लाइफ, बेगार सन बाय बर्थ जी, शिवानंदा बाबा इज ए बेगार सन बाय बर्थ, हिज फादर एंड मदर लिव बाय आस्किंग आर्म्स। बाबा वाज हैंडेड ओवर टू ए मंक ओमकानंद गोस्वामी एट द एज ऑफ 4। हिज सिस्टर डाइड विदाउट फूड। His mother died before sunrise, after sunrise father, on the same day when Baba was 6 years old. Their dead body burned on the same funeral fire. Baba performed their funeral ceremony and started living in hermitage with Guruji. Baba's life dedicated for service to people. Baba is a natural life. Now, स्वामी जी, आपने कहा कि भोजन बहुत कम करते हैं, लेकिन एक समय बंधा हुआ है उसके अनुरूप ही करते हैं। लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं जो लोग भोजन करते हैं
वही उनकी बीमारियों का कारण है। तो किस प्रकार से स्वामी जी के भोजन और आम जनता का भोजन बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोगों को तो चटकारे लगता हुआ स्वाद चाहिए, तो स्वामी जी का भोजन किस तरह से अलग है? मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा, संत लोग का भोजन हमेशा लिमिटेड होता है, वो लोग ज्यादा खाते नहीं है, ठीक है। और बाबा का भोजन का ऐसा है, बाबा नो ऑयल ओनली बॉयल खाना लेते हैं, केवल बॉयल्ड खाना लेते हैं। और बाबा ऐसे कोई खाना नहीं लेते हैं जो आम लोगों को नहीं मिलता है। बहुत लोग सोचेंगे कि बाबा शायद हमेशा दूध पीते हैं या फल खाते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा दूध फल मिठाई कुछ टच नहीं करते, क्योंकि वो भिखारी का संतान है, उनको दुख होता है कि सब लोग को ये नहीं मिलता है। तो जो सब लोग को नहीं मिलता है, आम जनता को नहीं मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है, बाबा वो टच नहीं करते हैं। तो सिंपल जो अवेलेबल सीजनल सब्जी है उसका बॉयल करके थोड़ा सा अन्न या दो रोटी या कभी थोड़ा बार्ली कभी थोड़ा चूरा, ऐसे बाबा एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में ये खाना लेते हैं। तो आजकल का जो जमाना है, ये जो फास्ट फूड खाने का जो हैबिट है, ये अच्छा नहीं है। हमारा पुराना जो जमाना था वो उसमें जो खाने का तरीका था, जो हमको दिनचर्या था, जल्दी सोने का जल्दी उठने का, वही अच्छा सिस्टम है। स्वामी जी, हम अमूमन समाज में देखते हैं कि लोग अपने से छोटों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि आज छोटों के क्या, लोग तो बड़ों के आगे झुकना भी आजकल सही नहीं समझते, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में अहम आ रहा है और हर कोई अपने आप को सर्वोपरि समझने लगा है। जी जी जी। लेकिन जब पद्मश्री अवार्ड मिल रहा था तो स्वामी जी, जो कि 126 उम्र साल के हैं, और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सब की आयु 80 से नीचे ही रही होगी, जी जी, लेकिन उनके सामने स्वामी जी ने दंडवत प्रणाम किया। जी, ऐसा क्यों है कि उन सब के आगे स्वामी जी को प्रणाम करना पड़ा, क्या क्यों किया? अच्छा, स्वामी जी ऐसे सोचते हैं या ऐसे देखते हैं कि सब में नारायण देखते हैं। तो एक छोटा 6 महीने के बच्चा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रपति जी, सब में नारायण है बाबा, इसीलिए सबको प्रणाम करते हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे, छोटा बच्चा आएगा उनको भी प्रणाम करेंगे, आपको भी करेंगे, सबको करेंगे, क्योंकि सब में नारायण है। और जो मोदी जी वहाँ बैठे थे, वहाँ पे उपराष्ट्रपति बैठे थे, राष्ट्रपति बैठे थे, उनका जो पद है, उनका जो पोस्ट है, उनको नमन करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे एज उसमें बार या हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा जी आप देखे होंगे तो 4 बार उन्होंने दंडवत नमन किया, और फिर प्रधानमंत्री खुद आके उनको नमन किया, और राष्ट्रपति जी देख रहे थे। फिर जब राष्ट्रपति के पास गए, फिर राष्ट्रपति जी को बाबा हाथ पकड़ के राष्ट्रपति जी बाबा को उठाया। तो ये हमारा जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, ऐसा ही है, बड़ों को सम्मान करना, सबको सम्मान करना। कौन काम में बड़ा है, काम में छोटा है, ये हमेशा जरूरी नहीं है। कभी उम्र बड़ा है, उम्र कम है, वो भी जरूरी है। कभी पद है जो, उसको सम्मान करना चाहिए। भले आदमी वहाँ पे मे भी 20 साल का है या 25 साल का है। आजकल हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे पद में 30-35 DM मैजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर बैठे हैं, तो वो पद का कुर्सी का सम्मान है। तो इसीलिए नमन करने का जो हमारा तरीका है, वो बाबा जी ने अभी दरबार हॉल में पद्मश्री पुरस्कार के टाइम दिखा के हमारा पुराना जो संस्कृति सभ्यता है उसका एक नया रूप, एक नया जागरण मैं बोलूँगा, बाबा ने सबको दिखाया है। तो ये हमारे बहुत गर्व की बात है कि हमको ऐसे दृश्य देखने को मिला। और ये दृश्य देखने के बाद में आप देखे होंगे कि कितने सारे लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सब लोग बाबा के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसे देखने को नहीं मिला। और हम लोग को खुद बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे भारतवर्ष में एक 126 साल का संत है, जो ये जब ये वॉर चल रहा है, आपको मालूम है ना, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है? बिकॉज कोई नमन नहीं कर रहा है, कोई सारा मतलब डिस्कशन करके कोई किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो बाबा जी ने नमन करके ये सभ्यता, ये परंपरा, ये भारतीय संस्कृति को वापस सबका सामने, दुनिया के सामने दिखाया है। स्वामी जी, प्रणाम तो विभिन्न प्रकार से किया जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, लेकिन मेरे ये जिज्ञासा मेरी है कि जो प्रणाम आपने किया था उस प्रणाम को बोलते क्या है और क्या नाम है उसका, खासकर वही प्रणाम आपने क्यों किया? देखिए, बाबा जी जो प्रणाम किया वो प्रणाम विद होल हार्ट एंड सोल। आप प्रणाम दंडवत भी कर सकते हैं, आप प्रणाम साष्टांग का जैसा आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, आपका माइंड कैसा है, आप माइंड में कैसे सोच रहे हैं। अगर आप बाबा जैसे प्रणाम किया विद हार्ट एंड सोल, वही सबसे इम्पोर्टेंट है।
और वही है वो जो फीलिंग है, वो जो लोग बैठे थे वहाँ पे, बड़े बड़े जो डिग्निटरीज बैठे थे, उन लोग को समझ में आया, तभी जाके सब लोग देखिए खड़े हो गए, राष्ट्रपति खुद अपना चेयर से उठे गए। तो जो बाबा आपको बोल रहे थे, बाबा का जो प्यार है, बाबा का जो प्रणाम है, सब कुछ बाबा का, बाबा अंतर से करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए नहीं करते हैं। तो बाबा जी योगा कितने घंटे करते हैं रोज? बाबा जी पहले ज़्यादा टाइम करते थे, लेकिन अभी बाबा जी एक घंटा करते हैं, कभी कभी आधा घंटा करते हैं। और सबके लिए बाबा यही सलाह देते हैं कि आप लोग को आधा घंटा योगा करना चाहिए, मतलब यंग जनरेशन को, सीनियर लोग, सब लोग आधा घंटा मिनिमम योगा कीजिए। अगर आपको वो भी टाइम नहीं मिले तो आप कम से कम आधा घंटा वॉकिंग कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको, आप एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर पाएंगे। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, आप देख ही रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर लोग जी रहे हैं। और जो आपने थोड़े टाइम पहले बताया कि अस्पताल हमारा दूसरा घर बन गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से अभी बाबा का ये जो इंसिडेंट है, या बाबा का ये जो पद्मश्री पुरस्कार बाबा को मिला, यहाँ से एक नए मोड़ पूरा देश को, पूरा दुनिया को बाबा ने दिखाया है कि आप लोग सोचिए, वापस एक बार सोचिए कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं या हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग पहले सही कर रहे थे या अभी सही कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहले जो हमारा परंपरा था, जो ट्रेडिशन था, वो सही था, वापस हम लोग उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसे बिना सेकंड होम हम लोग हमारा घर में ही स्वस्थ और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते। मैंने तो बाबा जी को भी पहले ही कहा था कि जब हम एक साल के थे तब बाबा जी 99 साल के थे। जी 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 जी। लेकिन फिर भी हमें चश्मा लग गया जी, और स्वामी जी की आंखें आज भी हमसे तेज है, तो क्या वजह है, क्या रीजन है इसके पीछे? मैं आपको बताऊंगा, ये है, मतलब ये एक पूजा है, मेरे हिसाब से ये एक वर्शिप है। बाबा जी को जो आप देख रहे हैं 126 साल में बाबा इतना हेल्थी और हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं, ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत कठिन तपस्या है, कठिन से कठिन तपस्या है जो करके बाबा जी देख रहे हैं। जो अभी हम हमारे सामने बैठे हैं बाबा जी, तो हम लोग को बहुत इजीली पता नहीं लगेगा, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है। तो ये पिछले 125 साल से बाबा जी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक रूटीन और रिलीजियसली डिलीजेंटली आप बाबा जी लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि बाबा जी हेल्थी और हैप्पी है। बाकी हम ये भी देखते हैं कि आज के समाज में हम अमन लोगों को देखते हैं जी, कि उनका जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो आज भी बाबा जी से कमजोर हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्यों, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप उन लोगों को जिन, जो लोग किसी ना किसी रूप में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जी, वो जानते नहीं है जी, वो कैसे कर रहे हैं जी, लेकिन स्वामी जी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे अपनी लाइफ को सुधारें? हम हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि स्वामी जी कोई उनका सेशन नहीं होता है या योगा क्लास नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी का कहना है कि आप लोग स्वामी जी का लाइफ देखिए, लाइफ देख के कैसे वो लाइफ लीड करते हैं, फिर देखने के बाद जो आपको अच्छा लगा आप अपने लाइफ में उसको शामिल कीजिए, और जो अच्छा नहीं लगा आपका ठीक है, आपको वो फॉलो करना नहीं चाहिए। जैसे कैसे खाना खाते हैं, कैसे लिमिटेड खाना खाते हैं, कैसे बाबा एक स्लीप 6 घंटा बाबा रेस्ट लेते हैं, दिन में सोते नहीं हैं, ठीक है, रेगुलर योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जप करते हैं। देखिए बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं फिर भी उनका बीमारी होता है, क्यों? बाबा बोलते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, खाली आपका फिजिकल भी करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक शरीर पार्ट है, एक माइंड पार्ट है, और दोनों इंटरकनेक्टेड है, और शरीर को माइंड ही कंट्रोल करता है। तो योगा करने से माइंड शांत होता है, माइंड कंट्रोल्ड होता है, और वही हेल्प करेगा हमारा शरीर को ठीक रखने के लिए। दूसरी कारण क्या है, हमारा लाइफ में हमारा बहुत मतलब अनएंडिंग डिज़ायर है, एक कुछ डिज़ायर हमारा कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है, हम मंदिर में जाके भगवान को नए डिज़ायर का लिस्ट बना देते हैं। तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है, लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, कुछ आप आगे लेके जा पाएंगे? नहीं। तो आप आगे क्या, आप बैंक बैलेंस बोलिए, आपका डिग्री बोलिए, आपका सम्मान बोलिए, आपका पद बोलिए, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा, आपने जो अच्छा काम किया, आपने परमेश्वर के साथ जो आपने नाता जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, वही आप आगे लेके जा पाएंगे। तो ये डिज़ायर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और योगा ही माध्यम है। जो हमारा परंपरा संस्कृति आ रहा है साल हजार हजार साल से, भारतीय योगा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा प्रधानमंत्री जी मोदी जी सबका सामने लेके आया, बाबा जी को पद्मश्री देके कि आप लोग वापस
पुराने हमारे स्कूल में चले जाइए, आप योगा प्रैक्टिस कीजिए, डेली मिनिमम आधा घंटा कीजिए, मन शांत होगा, आपका डिजायर कंट्रोल होगा, आप एक हेल्थी हैप्पी लाइफ लीड कर पाएंगे। स्वामी जी, जैसा आपने कहा था, स्वामी जी ने 30 साल से ज्यादा समय विदेश में गुजारा, अलग अलग 34 साल बाबा, 6 कॉन्टिनेंट में रहे। जी जी जी। तो बाबा जी, विदेशों में आपका अनुभव कैसा रहा और क्या आपको लगता है कि वहाँ के अनुभव के आधार पर भारत में सुधार की जरूरत है? हाँ, बाबा बोल रहे हैं ये जो योगा है ये सब कंट्री करता है, लेकिन ये योगा का आपका जो ओरिजिन ये कहाँ से है? ये यहाँ से है, इंडिया से है, लेकिन इंडिया में योगा उतना पॉपुलर नहीं है, सब लोग नहीं करते, कितना परसेंट पॉपुलेशन करते है, लेकिन बाहर के लोग जो है उन लोग को समझ में आया। अभी मोदी जी ने जो किया है ये योगा को पॉपुलर करने का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि योगा करने से ही लोग फिट रह सकते हैं, लोग हैप्पी लाइफ, हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो योगा बाबा, कोई बात नहीं, भारत सरकार सम्मान दिया बाबा के, नहीं है विश्व के। बाबा का सोचना ऐसा है, ये जो भारत सरकार मोदी जी ने जो बाबा को सम्मान दिया है वो बाबा के लिए नहीं है, वो पूरा देशवासी के लिए, पूरा दुनिया का के लोग के लिए है, क्योंकि मोदी जी विश्व प्रेमी है, वो सबका भलाई चाहता है, भलाई के लिए ही ऐसे एक एग्जाम्पल को आगे खड़ा किया, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल नहीं रहेगा तो लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या है। तो भारतवर्ष में ऐसा एक संत है 126 साल का शिवानंद बाबा, जो ऐसे लाइफस्टाइल लीड करके, योगा करके हेल्थी हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं, उनका कोई बीमारी नहीं है और उनका कोई एलोपैथिक दवाई का सहायता लेना नहीं पड़ता है, तो ये लोगों के भलाई के लिए उन्होंने किया है। बाबा जी, आपको 126 साल हो गए जी, इस 126 साल में आपने समाज में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया जी, ऐसे में आपको क्या लगता है इन 126 सालों के अनुभव के आधार पर जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से परेशान करता है कि समाज में ये नहीं होना चाहिए था जी, ऐसा क्या है जो आपको लगता है? ऐसे बाबा जी का सोचना ऐसा है कि देखिए, आजकल जैसे आज सुबह ही बाबा ने बताया, बाबा ने कभी झूठ नहीं बोला है जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झूठ हमको क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि हमारा डिजायर है कुछ करने का, कुछ पाने का, तो हमको झूठ बोलना पड़ता है। तो ये जो डिजायर है यही रीजन है जो आपका डिजीज हमारा शरीर के अंदर आता है। तो आप थोड़ा पायस लाइफ लीड करिए, थोड़ा जो सच बात है वो बोलिए, तभी आपका लाइफ भी सुंदर रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, आपका मन भी शांत रहेगा। बाबा नेवर टेल लाई, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं है। तो आजकल कलयुग में हम झूठ का ज्यादा सहायता लेते हैं, तो देखिए उसका तो असर पड़ेगा ना जी। हम सच रहेंगे, हमारा माइंड क्लियर रहेगा, हम रात को अच्छे से रेस्ट लेंगे, हमारा नींद भी अच्छा रहेगा, तो हमारा शरीर मन दोनों फिट रहेगा, हेल्थी रहेगा जी। बाबा जी, हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर कई महापुरुष, सिद्ध पुरुष, संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं जी, लेकिन जो भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं जी, चाहे वो भगवान राम हो जी, चाहे श्री कृष्ण हो जी, सभी की जिंदगी में समस्याएं आई हैं जी, चुनौतियां आई हैं, लेकिन आज के समाज की तरह उन्होंने कभी अपनी चुनौतियों से हार नहीं मानी जी, उनका डटकर सामना किया और हर परेशानी को उन्होंने हराया है जी। तो जब स्वामी जी की जिंदगी में कोई 126 साल के इस करियर पे जब कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है जी, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? क्योंकि आज का समाज हमारा बहुत लोग हार मान जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन जो है वो ये दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजीज होगा, बाबा जी, बाबा का ऐसा कहना है आगे के दिन में। और जहाँ तक प्रॉब्लम है, बाबा जी बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम जी। हमारा शरीर है तो शरीर कभी अच्छा रहेगा, कभी खराब रहेगा, कभी बारिश होगा, कभी कोई, ये कोई समस्या ही नहीं है, नो डिप्रेशन, नो, इसीलिए बाबा जी को कोई डिप्रेशन नहीं है। फॉलो जुगा, हाँ, नो डिप्रेशन। तो बाबा जी को कभी एक दिन खाना नहीं मिला या थोड़ा खाना लेट मिला, दीदी पास में बैठे हैं, तो बाबा जी कभी गुस्सा नहीं होते हैं, बाबा जी वैसे ही शांत रहते हैं। तो ये योगा का इफेक्ट है, योगा करने से ही लोगों का माइंड ऐसे होता है, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विल बी सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। हम बाबा जी के कमरे में देख रहे हैं कि समस्त देवी देवताओं की फोटोज लगी हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं जी। और आज के समाज में लोग भगवान को विभिन्न रूपों में पूजते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह से पूजते हैं जी, यहाँ तक कि सनातन धर्म में ही जी, हर किसी का तरीका अलग अलग है जी। बाबा जी का क्या मानना है कि वास्तव में ईश्वर कौन है? बाबा जी का ऐसा मानना है कि गुरु इज विजिबल गॉड। आपने नारायण को देखा है, आपने भगवान शिव को देखा है, लेकिन नहीं देखा है ना, नहीं देखा। लेकिन आपका अगर गुरु है तो गुरु इज विजिबल गॉड। गुरु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड
बाबा जी पहला पर्सन है पूरा दुनिया में जो कि बोले हैं कि गुरु इज ग्रेटर देन गॉड। अगर गुरु और भगवान दोनों पास पास बैठे हैं तो पहले गुरु को नमन करके प्रणाम करके फिर भगवान को प्रणाम करने से भगवान ज्यादा प्रसन्नित होते हैं, तो यही हमारा बाबा जी का कहना है। तो बाबा जी आपके इस 126 साल के जीवन काल के अनुभवों के आधार पर आज जो भी आज हमारे समाज में देखते हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने अनुभवों के आधार पर? अपने अनुभव के आधार पर बाबा जी सिंपल संदेश सबको दे रहे हैं कि आप लोग आधा घंटा योगा करो, जो लोग योगा नहीं कर सकते हो उम्र ज़्यादा है कम से कम वॉकिंग करो, ठीक है। डिज़ायर को योगा करने से ही आपका डिज़ायर कंट्रोल्ड होगा, आपका माइंड शांत होगा, फिर शांत होने से क्या होगा आपका लाइफ अच्छा रहेगा। मेजाज कूल तो लाइफ ब्यूटीफुल, अगर आपका मेजाज कूल है तो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपका चला जाएगा, और अगर आपका मिजाज अशांत है जो प्रॉब्लम है उसके अलावा भी आप नए प्रॉब्लम को लेके आएंगे, वही कारण है। डिज़ायर लिमिटेड रहेगा, जहाँ पे आप है वहीं पे आप अगर खुश है तो आपका लाइफ इजी रहेगा, आपका लाइफ कंफर्टेबल रहेगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, अब रात को अच्छे से नींद आएगा आपका, फिर आप हेल्थी और हैप्पी लाइफ होने से मन में संतुष्ट है, और योगा करने से मन में संतुष्टि होता है, यही सबसे बड़ा बात है। और कनेक्शन है कंटेनमेंट कंटेनमेंट। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी आपका बहुत बहुत।